दो पेजेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, एक दिल्ली का वेर आई हैपन टू बी मिसेस दिल्ली ग्लोबल, और फिर उसके बाद इंडिया का था वो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल. एज राज कपूर साहब यूज टू से, यस्टरडे आई वाज वाचिंग इंडियन आइडल, शो मस्ट गो ऑन, रुकना नहीं है, शो मस्ट गो ऑन. अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऑलवेज ऑलवेज हैव अ सेट गोल इन योर माइंड. Hello everyone, welcome in the 9th episode of the Med Talk powered by Game of Pharma. Today we have with us a very special guest, Dr. Deepika Jain. Ma'am is the founder and MD of Mega Cosmos. This is India International, also the founder and MD of Homeo Clinic, and also a doctor and philanthropist. Welcome on the show, ma'am. Thank you so very much, Lokesh, for the wonderful interaction. Thank you. It's a pleasure being here on. Ma'am, from the healthcare industry, you came into the fashion industry, then also in the entrepreneurship, ma'am. So, ye experience kaisa raha, ma'am, aapka? Aur aap apni kuch journey humare saath share karna chahein? Surely. See, I strongly believe ki hum roz kuch na kuch seekhte hain. We are in a learning process, right? सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आप फैशन इंडस्ट्री पे जाए या आप बिजनेस वुमेन बने, आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं और इट्स लाइक एडिंग ऑफ अनदर फेदर इनटू योर कैप. तो आई बिलीव कि चेंजेबिलिटी इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स. तो ये चल रहा है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल माय वेल विशेस. और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए तो एक्सपीरियंस ये है कि मैं बहुत ही एक सिंपल सी, जैसे कहते हैं ना, एक सिंपल लेडी, अ सिंपल डॉक्टर. बट यस, एंटरिंग इनटू दिस ग्लैमरस इंडस्ट्री वाज नॉट माय कप ऑफ टी. इट हैपेंड एक्सीडेंटली और बाय डेस्टिनी. द प्लान थिंग वाज टू बिकम अ डॉक्टर ओनली, बट ये डेस्टिनी इस तरह से हो गई कि आपके लाइफ में एक फेज आता है जब एक मोनोटनस और एक बॉर्डम आ जाता है, देन यू ट्राई, यू वांट सम स्पाइस इन योर लाइफ. तो चलो ये हो जाता है. तो आई वेंट इनटू दिस पेजेंट. इट हैपेंड लाइक यू नो, माय फ्रेंड सेंड सम पिक्चर्स ऑफ माइंड टू देम और ये एक तरह से बन गया. कुछ ऐसे वो सर्कमस्टांसेस दैट दे सिलेक्टेड मी एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ. पेजेंट में जाके वहां पे जो आपकी ग्रूमिंग और ये सब होती है एक्सपीरियंसेस, आई वाज द ऑड वन आउट ओनली डॉक्टर एंड इट वाज जस्ट यू नो, समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज ऑल अबाउट. उसके बाद बस ऐसे चटपटे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं और आप अपनी लाइफ में एंजॉय करते हो. एंड इट हैपेंड टू बी अ विनर ऑफ दैट पेजेंट. और दो पेजेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, एक दिल्ली का वेर आई हैपन टू बी मिसेस दिल्ली ग्लोबल, और फिर उसके बाद इंडिया का था वो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल. और दोनों में ही टचवुड आई वाज द विनर, बट मुझे खुद नहीं समझ आता क्या विनर हो गया. और मतलब मैंने कभी रैंप वॉक नहीं की एंड जो हमारी कोरियोग्राफर थी, शी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, और उन्होंने जब सिखाया एंड दिस इज द बेस्ट रैंप वॉक एंड शी गिफ्टेड मी विद प्रियंका चोपड़ा इयर रिंग्स. आई स्टिल हैव दोज इयर रिंग्स एंड आई ट्रेजर देम. और मतलब इट्स अ बिग थिंग यार, एक सिंपल से आप क्लिनिक पे बैठे हुए डॉक्टर को आप, अच्छा आप सोच भी सकते हो कि आप इस तरह की ग्लैमरस इंडस्ट्री में. तो ये कुछ इंसिडेंसेस है, कुछ एक्सपीरियंसेस है. आई गो टू लर्न एंड लिव दैट मोमेंट. तो वो कुछ भी हो बस, तो बस इसी तरह से आई एंजॉय द थिंग्स. अभी इस इंटरव्यू में आपसे मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगी और ये इंटरव्यू में एंजॉय करना स्टार्ट कर चुकी हूँ. डेफिनेटली दैट इज अ वंडरफुल जर्नी यू एक्सप्लेन्ड अबाउट. बट मैम, बिफोर दैट टर्न यू गॉट इनटू योर लाइफ फैशन वाला, बिफोर दैट आपकी क्या, लाइक इन योर मेडिकल फील्ड आपने कितना लाइक प्रैक्टिस किया था या कितने दिन आप उसमें थे, या हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग 16 इयर्स. 16 साल मेरी प्रैक्टिस को हो चुके हैं. और जो मेरी एक स्पेशलिटी है, आई एम एमडी इन होम्योपैथी, स्पेशलिटी स्किन है. उसके बाद आई एम एमडी इन एक्यूप्रेशर एंड देन आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस पुणे. और उसके बाद जैसे मैंने बोला, मुझे सीखने का बहुत शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने एकेडमिक में भी सीखती रही हूँ. देन आई परस्यूड माय साइकोथेरेपी फ्रॉम लंदन.
सो आई एम साइकोथेरेपिस्ट ऑल्सो, और अभी भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं वो भी करती रहूंगी. इट्स नॉन स्टॉप जर्नी इन माई मेडिकल प्रोफेशन. अपडेट रहती हूँ मैं. 16 साल की प्रैक्टिस है और इंडिया में करती हूँ, और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दुबई. मैं दुबई में भी काम कर चुकी हूँ एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट इन रेगुलेटरी एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट. फिर वहां से मैं दोबारा इंडिया आई हूँ और अभी भी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ. कोविड के केसेस देखती हूँ, माइल्ड टू मॉडरेट, बहुत अच्छी उस पे स्तर पे मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है अभी लेटेस्ट में, और बस यही एक छोटा सा है, चलती जा रही हूँ. Is it possible to manage two very like struggling things, and these two things are very difficult, very competitive, like how you manage these two things? Hey, Salman, what I will say, जैसे मैंने आपको बोला, मैं किसी चीज को एज अ स्ट्रेस या लोड की तरह नहीं कंसिडर करती हूँ. मैं उसको एंजॉय करती हूँ, मैं जीती हूँ उसको. मैं कभी भी किसी रेस में किसी के साथ नहीं होती हूँ, मैं अपने साथ होती हूँ. मैं अभी एक घंटे पहले कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, कल मैं कैसी होंगी, आई विल बी बेटर वर्जन ऑफ माइंड. मेरी ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लिए जी रही हूँ. मैं किसी के साथ किसी कंपैरिजन में नहीं हूँ, तो फिर मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है. और ये तो प्रोफेशनल पार्ट हो गया. इसके अलावा सिर्फ हेल्थ और ये आपका इंडस्ट्री फैशन की इंडस्ट्री नहीं है, इसके अलावा मेरे फिलैंथ्रोपी है. आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट. मैं बहुत ज्यादा उन चीजों में भी इन्वॉल्व हूँ जो जो मेरे को एक्चुअली सुकून देती है. वो अलग चीजें हैं. एक होती है जो आपके रूहानी सुकून जो होता है ना, एक आपके आपके सोल को देती है, वो एक्टिविटीज भी है. फिर आपकी फैमिली भी है. आई एम अ मदर ऑफ 13-year-old सन. घर भी देखना होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. दिन में सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, पर वो 24 घंटे कोई कैसे इस्तेमाल करता है अपनी जिंदगी के, वो फर्क है मुझ में, किसी और में या किसी और में. आए हम वैसे ही हैं, चले भी हम वैसे ही जाएंगे, पर मैं ये पूरी जिंदगी यूटिलाइज करके जी के जाऊंगी, चाहे कहीं पे भी हूँ, कैसी भी हूँ. मैम, जैसे होम्योपैथिक की, जैसे आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करी, तो होम्योपैथिक बहुत सालों से चला रहा है एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन. बट मैम, आफ्टर द आयुष मिनिस्ट्री, लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, होम्योपैथिक और लाइक आयुर्वेदा और जो भी एंशियंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे, उन्होंने बड़ा ग्रो किया है. और लाइक एक स्पेशल मिनिस्ट्री का बनना इज लाइक ए प्रोग्रेस इन इंडिया. तो मैम, उस पर आपके क्या व्यूज है मैम? ये देखें, जैसे हम कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई रूल्स, प्रिंसिपल्स या रेगुलेशंस नहीं होगी तो सोसाइटी बिखर जाएगी, हम कहते हैं ना. ऐसे ही हर इंडस्ट्री की एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए और होती भी है. तो इट्स गुड अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपकी ये वाली जो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसकी भी एक मिनिस्ट्री बनी है जिसके अंडर हम सब कुछ एक रेगुलेशन से करते हैं. जैसे एलोपैथी के लिए इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन है, ऐसे होम्योपैथी, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी, योगा के लिए आयुष बनाई है. तो अगर हम एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, काम वैसे भी कर रहे हैं लेकिन अगर हम उस तरीके से करेंगे तो हम अपनी एनर्जीज को ज्यादा अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे, ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो मिनिस्ट्री होना तो बहुत जरूरी है ना. जैसे फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इसीलिए तो दिस इज अ गुड थिंग. एक्चुअली इट इज अ गुड थिंग. और अभी नहीं होती तो कोई कहता मैं अच्छा होम्योपैथ हूँ, मैं अच्छा आयुर्वेद हूँ, मैं अच्छा योगा करवाता हूँ, मैं अच्छा एलोपैथ हूँ. तो इसीलिए एक मिनिस्ट्री बना के हम लोगों को एक उसमें ऑर्गेनाइज एक स्ट्रक्चर में रख के, इट्स अ गुड स्टेप, इट्स नाइस थिंग. और लाइक मैम, जो कोविड में मैंने देखा कि लाइक हर कोई लाइक एक्टिवली पार्ट इन द लाइक ऑल ऑफ द जर्नी ऑफ द COVID-19. लाइक कोई भी कोई होम्योपैथिक का डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं, समझ लो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरह सबने अपना कंट्रीब्यूट किया. वेरी नाइस, वेरी रियली राइट लाइक द लास्ट लाइन ऑफ योर्स, कि कोई अलग अलग नहीं था, किसी को हमने जातियों में या कास्ट में नहीं डिवाइड किया. वी वर ऑल लाइक अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वी वर हेल्पिंग लाइक डॉक्टर्स. यस मैम, यस, दिस इज द राइट. आई टोटली एग्री विद इट, क्योंकि हम यहाँ पे मदद के लिए है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए है. हम यहाँ पे किसी कॉम्पिटिशन में नहीं खड़े हैं. अल्टीमेट हमारा एम या एजेंडा यही होता है कि जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, इससे ठीक हो जाए, ऐसे ठीक हो जाए,
काढ़ा बना के ठीक हो जाए, ड्रग्स लेके ठीक हो जाए, या ठीक होना है, बस यही एक हमारे एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। वन मोर थिंग अबाउट दिस पैंडेमिक, अगर पैंडेमिक की बात हो रही है तो हर सेक्टर में बहुत ज्यादा लाइक पैंडेमिक ने वर्किंग स्टाइल को, वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत लाइक चेंज कर दिया, वी उनसे अच्छा या बुरा बट चेंजेस आए हैं। सो हाउ यू थिंक द पैंडेमिक हैज अफेक्टेड द फैशन इंडस्ट्री? अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए, जो भी आप एक प्रेजेंटेशन होती है, चाहे आप फैशन शोज कर रहे हैं, चाहे आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए गैदरिंग होनी जरूरी है, और वो मास गैदरिंग जो है वो कोविड पैंडेमिक में नहीं हो पाई थी। अगर जैसे आप मेरी खुद की कंपनी की बात करें, मेगा कॉस्मोस, इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट कंपनी, तो जब हम इवेंट्स करते हैं तो इवेंट्स मीन्स टू रीच मैक्सिमम ऑडियंस, गैदरिंग हो, ग्लोबली आप रीच करें। तो जो पैंडेमिक है तो एक तो आपकी इंटरनेशनली वो आप एक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अगर आप नेशनली बात करें तो वो गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो कोई भी इंडस्ट्री है, हर कोई बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का, फैशन इंडस्ट्री में भी पड़ा है। बट एक अच्छी बात ये है, इसमें से भी मैं पॉजिटिव ये निकाल लूंगी, अगर ऐसा नहीं होता तो हम उतने डिजिटली स्मार्ट नहीं होते। Exactly. हम हर चीज का ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हम इंडियंस को आता है, और मेरे ख्याल से सबको ही आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इंडियंस एज अ जुगाड़ू, हमें तो आता ही है, और बाकी पूरे विश्व में भी सबने निकाल ही लिया है इसका अब तक का हल। तो अब हम डिजिटली आ गए हैं, ऑनलाइन हम वो चीज कर देते हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन शोज कर देती हूँ, अभी मेरा अभी जो अभी आएगा रिसेंट, वो इंडिपेंडेंस डे पे अवार्ड शो आएगा कंट्रीज प्राइड, जिसपे मैं जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो हमारे जवान है, फौजी भाई है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पेंडेमिक पे बहुत काम किया, उनको आई विल ऑनर। ठीक है, तो अगर हम गैदरिंग नहीं कर सकते, ऑनर और एप्रिसिएशन की के लिए कोई हमें एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, वो मैं हम ऑनलाइन भी कर देंगे। तो ठीक है, डेफिनेटली फर्क पड़ा है पैंडेमिक का, लेकिन एज राज कपूर साहब यूज टू से, यस्टरडे आई वाज वाचिंग इंडियन आइडल, शो मस्ट गो ऑन, रुकना नहीं है, शो मस्ट गो ऑन, पैंडेमिक हो कुछ हो हम चलते रहेंगे, जीना इसी का नाम है, राइट? अदर पॉजिटिव थिंग फॉर अस अबाउट द पैंडेमिक, ये हमारा इंटरेक्शन इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ दिस पैंडेमिक ओनली, हम डिजिटली मिल पा रहे हैं। नहीं तो कहां इतनी दूर बैठ के कोई कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप इतना ट्रेवल करो कैसे। तो जो भी है इसमें से भी हमने कुछ अच्छा निकाल ही लिया ना, हम डिजिटली कनेक्ट हो गए हैं ना, और ज्यादा कनेक्ट हो गए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है चीजें। जैसे आपने राज कपूर सर की बात की अभी, लाइक उनका कोट लिया, तो मैं एक like I am big fan of Pankaj Tripathi sir. तो Pankaj Tripathi sir से एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि like sir आप लीड रोल कब करने वाले हैं, कि like as a मतलब बड़ी स्क्रीन पे आप बहुत अच्छी एंट्री ले रहे हैं, एंड वो कब लाइक नेक्स्ट पॉसिबल होने वाला। तो Pankaj Tripathi sir ने बहुत अच्छे अंदाज में उनको जवाब दिया कि like मैं यहाँ एक्टर बनने आया था और मेरा पैशन अभी एक्टिंग है, तो मैं रूल्स को जज नहीं करता हूँ वहां पे, मैं जो निकल के आ रहा हूँ उसका जो आउटकम आ रहा है और जो लोगों के एप्रिसिएशन है उनसे मैं अपने आप को जज करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पंकज त्रिपाठी के तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि क्यों है, क्योंकि वो ना कम से कम शब्दों में जो वो उनकी हाव भंगिमा, जो आप इमोशंस है वो फेस से ही, आंखों से हल्के से कह के अपना डायलॉग भी कर देते हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। मैम जैसे लाइक मेगा कॉस्मोस आपने स्टार्ट किया, तो लाइक हेल्थ केयर से फैशन इंडस्ट्री के बीच, फिर मैम लाइक मेरे को क्या लगता है कि वी आर आल्सो लाइक रिलेटेड विद समहाउ लाइक मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें पता है कि जब आप बिजनेस में कोई पैर रखते हो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में उससे पहले सोचना पड़ता है, अबाउट द फाइनेंस, अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, एंड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप नीड ए लाइक क्वांटिटी आल्सो द क्वालिटी टाइम ऑफ योर्स। तो मैम मेगा कॉस्मोस की कैसे शुरुआत हुई? मेगा कॉस्मोस की ऐसी शुरुआत हुई लोकेश, कि जब मैं वहां पे पेजेंट में थी, आप एक ना हमारे एक माइंडसेट है, जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या कुछ होता है, हमारे माइंडसेट में ये होता है कि यार ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री पता नहीं कैसी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, इट्स नॉट मेंट फॉर अस। ठीक है,
चलो मैं तो एक टाइम पास के लिए चली गई थी पेजेंट पे, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य तो था नहीं इस चीज से रिलेटेड। वहां पे जाके मैंने देखा कि हाँ जो ये हम सुनते आए हैं कुछ अनकंफर्टेबल और अनईज होता है। विमेन आर वो एक्साइटमेंट में तो आ जाती हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा अनकंफर्टेबल उनको महसूस होता है। तो मेरे माइंड में ये हुआ जब लास्ट डे था, जिस दिन पेजेंट था, कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी, मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे जीतना है हारना, वो तो मैं कभी सोचती नहीं हुआ, तो जस्ट गो एंजॉय माय लाइफ। लेकिन यह था जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना, क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खुद ही क्रिएट कर दूं जहां पे जब लेडीज आए तो उनको लगे ये एक लेडी ने ही एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जो हमारे बीच में सी थी, एक ट्रस्ट फैक्टर हो जाता है और उनको इतनी झिझक ना हो कि यार हम अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं, चलो मेगा कॉस्मोस में चल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द फाउंडर एंड द डायरेक्टर और जो लेडी है वो हम में से एक है। तो वो एक मेगा कॉस्मोस की टैगलाइन है, अ ब्रांड दैट एम्बॉडीज ट्रस्ट। तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर था उसको मेंटेन करने के लिए ये एक मेरे थॉट आया कि मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मैं ऐसे कंपनी खोलूंगी। मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे जाना है, मुझे फोर्ब्स में नाम करवाना है, वो मेरे माइंड में कभी भी ये चीजें नहीं होती है। आई एम ऑलवेज इन टू कि अगर मैं कहीं अपने आस पास कोई प्रॉब्लम देखती हूँ तो मेरे माइंड में जो थॉट चलता है वो उसके सोल्यूशन की तरफ चलता है। जो मुझे प्रॉब्लम लगी तो उसके लिए मैंने मेगा कॉस्मोस क्रिएट की। जब मैंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, इसमें ब्यूटी पेजेंट्स, फैशन शोज, तो ये सब चीजें होने लगी धीरे धीरे। और मैंने प्रॉब्लम्स देखी कि जो हिडन टैलेंट्स हैं हमारे बीच में, जो ज्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश से वो उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन लोगों को मैंने ढूंढना शुरू किया, उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, अवार्ड शोज किए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल हो, उनमें एक थैंकफुल आए कि हमें भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है। जब आप मेगा कॉस्मोस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे अवार्ड शोज किए हैं मैंने, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करके अवार्ड किया है। एंड आई नेवर चार्ज एनीथिंग फॉर एनीवन, बिकॉज माय मिशन इज नॉट टू कि मैं एक, मैंने जैसे बोला कि मुझे फॉर्ब्स में नहीं आना, मुझे रूहानी वे से मुझे अपने सुकून में रिच होना है, मुझे उसमें संतुष्ट होना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम अर्निंग एंड व्हाट आई एम हैविंग एट माय होम, आई एम वेरी हैप्पी, तो उसमें मैं खुश हूँ। तो ये मेगा कॉस्मस का जो आइडिया है वो बेसिकली टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम्स आई एम सीइंग अराउंड द एनवायरनमेंट। आवर मिशन इज टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट एंड मेक वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव। दैट्स इट मैम, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, आप लाइक आपने बोला कि आप फिलोसोफिस्ट भी हैं, तो आपके क्या मेजर सेक्टर्स हैं वेयर यू आर कंसर्न्ड अबाउट? जैसे कि जो मेरा बेसिक प्रोफेशन है, आई एम अ डॉक्टर, सो आई सेट अप वेरियस हेल्थ कैंप्स जो रूरल एरियाज में होता है, जहाँ पे बेसिक आप हेल्थ चेकअप के लिए भी एक बहुत जरूरत होती है। सेकेंडली आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर द पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन रूरल एरियाज में, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन या बेसिक उनकी पर्सनल हाइजीन के ऊपर, जिसपे औरतें झिझकती हैं, बट व्हेन इट कम्स अ लेडी डॉक्टर तो एक कंफर्टेबल होता है। सेकंड, थर्ड, हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उतने प्रिविलेज नहीं होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, सिर्फ हेल्थ, अगर देखो हेल्थ इज वेल्थ फर्स्ट, लेकिन साथ में हमें एजुकेशन, उनको समझना, किसी के कोई सपने हैं, किसी के कोई कैपेबिलिटी है, कुछ कर सकते हैं। सी, फाइनेंशियल हेल्प इज नॉट ऑलवेज अ हेल्प। मैं भी यहाँ पे कोई बिल गेट्स या अंबानी नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल है, लेकिन एक है कि अगर इफ आई एम ब्लेस्ड, अगर मेरे माँ बाप ने कुछ मुझे पढ़ाया है और मेरे पास थोड़ी सी स्किल्स या एजुकेशन है, तो थोड़ी सी मैंने आगे वो भी ट्रांसफर कर दी, नहीं तो वो तो एजुकेशन ऐसी खराब चली गई ना। तो उनको थोड़ा गाइड कर दिया, ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे कर लो, ऐसे आपको ज्यादा बेटर हो जाओगे आप लाइफ में। एक अच्छी सलाह से ही अगर किसी का जीवन संवर सकता है तो व्हाई नॉट। तो वो इस तरह से हेल्थ कैंपेन हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, आपको मैंने इवेंट्स का बताया। इवेंट्स में आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई अप्रिशिएट पीपल
एक एप्रिसिएशन होती है, तो वो चीजें कर, तो जो भी मुझे समझ तरीका आता है मेरी कैपेसिटी के अंदर, जिसमें मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी डिस्टर्ब ना करूं और मेरा भी जो मैं एक चाहती हूँ एज ए इंडिविजुअल वो भी हो जाए, तो वो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेवल पे करती रहती हूँ. एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत है. क्यों? क्योंकि ज्यादा तो शक्तिशाली कोई है ही नहीं, उसको सिर्फ याद दिलाना है कि तुम हो. तो वुमेन एम्पावरमेंट जो एक ये चलता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ये क्यों यूज कर रहे हैं. क्योंकि आप एक माँ से ना कभी उसके छोटे बच्चे को उठा के जरा थोड़ा सा दूर लेके जाओ और फिर उस माँ से पूछो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है. समझ गए आप बात? यस मैम, यस मैम, यस. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमें औरतों को ना, बिकॉज क्या है हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो, हम वी आर मोर इनटू लाइक होम, जो हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं उनके काम करने घर में, तो उसके टाइम के साथ हम अपने परिवार और बच्चों में ना सीमित रह जाते हैं. और फिर जब एक एज निकल जाती है तब फिर हम अपने सपने पूरे करने की सोचते हैं. तो वो एक चीज आप कह सकते हो कि हम लेडीज को ये जागरूक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जैसे आपका घर इम्पोर्टेंट है वैसे ही आपकी एक आइडेंटिटी, आपका एक अस्तित्व भी इम्पोर्टेंट है. तो उसमें आप उनको थोड़ा सा एक ट्रिगर कर सकते हैं, एक इंस्टिगेट कर सकते हैं. बाकी वुमेन पूरे एम्पावरमेंट है, जो एक घर चला सकती है तो क्या वो बिजनेस और कंट्री नहीं चला सकती है? ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का जो स्टिग्मा वहीं से निकल के आती है. हमने लाइक पहले से ही ये सिखा रखा है कि आपका सोसाइटी में ये रोल है, आपका सोसाइटी में ये रोल है. तो सिर्फ वुमेन को नहीं, हमें मेन को लाइक पूरी फैमिली को, हर किसी को अवेयर करना जरूरी है. मुझे चाहिए कि अगर मेरी बहन, मेरी मम्मी कुछ आफ्टर द होम थिंग कुछ निकल के बाहर करें तो मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा. बिना सपोर्ट के तो एक लड़का भी है बच्चा, तो वो भी अपनी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी नहीं निकल पाता उस स्टिग्मा से. तो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. आपकी इस रोलर कोस्टर वाली जर्नी से वुड यू लाइक टू गिव सम पार्टिंग थॉट्स फॉर द यूथ, फॉर द स्ट्रगलिंग पीपल जो अपने लाइक करियर को फ्लिप करने के लिए सोचते हैं या फैशन इंडस्ट्री में जाने से डरते हैं? देखिए, अगर आप यूथ के लिए एक मैसेज चाहेंगे मेरी तरफ से, तो मैं ये कहूंगी सभी को, चाहे यूथ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, कभी भी देखो एज को एक क्राइटेरिया नहीं लगाओ अपने अपने सपनों को पूरे करने के लिए. ये नहीं सोचो मैं अब 40 का हो गया हूं या हो गई हूं तो इसके आगे अब क्या करना है. एज नहीं लेके आओ, जिंदगी जब तक आप जिंदा हो तब तक आप हो, बस ये सोचो आप कर सकते हो. और जो मैसेज है वो मेरा यही मैसेज है कि अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ऑलवेज ऑलवेज हैव set goal in your mind, doable goal in your mind, और उस लक्ष्य, उस मकसद की तरफ आप focus करें. एक लक्ष्य रखें और उसके ऊपर focus करें अपने सपनों को जरूर पूरा करने के लिए, लेकिन उस सपनों के पीछे इतना ना भागें कि आप अपने आप को और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको आप इग्नोर करना स्टार्ट कर दें, भूल जाएं, वो ना करें. दूसरा, इस समाज और इस देश के लिए की तरक्की के लिए भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है. सिर्फ मैं, आई मी माई सेल्फ नहीं, आई मी माई सेल्फ भी, बट यस वी ऑल आर टुगेदर, उसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें. तो वो भी करें, अपने सपने भी पूरे करें और देश के लिए और अपने समाज के एक जिम्मेदारी है उसको भी समझें. लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट, मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड वैल्यूएबल. So thank you so much, ma'am, for your time. It's been a great session, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Lokesh, for having me here. Thank you so much, Salman, for interaction. It was a wonderful chat. It was a wonderful interaction. I thoroughly enjoyed. And yes, I learned a lot from both of you young guys. And I wish lots of happiness, lots of blessings, and best wishes for your future interview.